नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। रांची में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप अपने गांव बड्डी पहुंच गए हैं। जी हां, बिहार के लाल और रोहतास के लाल आकाशदीप जब पहुंचते हैं अपने लोगों के बीच में तो उनका जोरदार स्वागत होता है। उनके उतरते ही लोग उन्हें घेर लेते हैं, सेल्फी लेने का दौर जो है वो शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है आकाशदीप अपने शहीद दादा निशान सिंह की प्रतिमा पर पहुंचते हैं और वहां पर जो है माल्यार्पण करते हैं। वहां पर भी काफी लोग मौजूद थे। आपको बता दूं कि जो शहीद निशान सिंह हैं, जो कि आकाशदीप के दादा हैं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी थी। और ये देखिए कि आकाशदीप ने भी जो अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला है वो अंग्रेज टीम के खिलाफ ही खेला है, इंग्लैंड के खिलाफ। रांची में उन्होंने ये मुकाबला खेला था और जब उन्हें टेस्ट कैप मिला था उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही भी थी कि रांची एक ऐसी जगह है जहां से मेरा गांव भी नजदीक है और जहां के लिए मैं रणजी ट्रॉफी खेलता हूं, यानी कि बंगाल, वो भी नजदीक है। तो मैच जैसे ही खत्म होता है, चार दिन में ही टेस्ट मैच जो है वो संपन्न हो गया था, तो उसके बाद आकाशदीप जो है अपने गांव बड्डी पहुंच गए हैं और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया है और अपने लोगों के बीच जाना, निश्चित तौर पर कुछ हासिल करके जब आप अपने लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वो एक अलग तरह की खुशी होती है। यहाँ पर फैंस भी उतने ही उत्साहित थे, या कह सकते हैं कि उनके जान पहचान के जो लोग थे वो सभी खासे उत्साहित थे, सभी उनसे उनके साथ तस्वीरें लेना चाहते थे। और आकाशदीप ने भी जो है बड़े आराम से लोगों के साथ सेल्फी ली। वो गाड़ी के साइड पर खड़े होकर, उसके दरवाजे पर जब वो अंदर जा रहे थे उस समय भी लोगों ने उनसे उनकी तस्वीर उतारनी चाही तो उन्होंने किसी को मना नहीं किया। और ये बहुत अच्छा किया उन्होंने कि इतनी सफलता मिलने के बाद भी जब आप अपने लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वो वही सादगी जो है वो दिखनी चाहिए और वही सादगी आकाशदीप ने दिखाई भी है। आकाशदीप का जो पहला स्पेल था इंग्लैंड के खिलाफ वो तो अब सभी की जुबान पर है। अपने पहले स्पेल में उन्होंने इंग्लैंड के टॉप थ्री बैटर्स को आउट किया था पहली पारी में और उनके इस स्पेल को तो सचिन तेंदुलकर तक ने ग्रेट कहा था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की गेंदबाजी की। हम आकाशदीप से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो भारतीय क्रिकेट की लंबे समय तक सेवा करेंगे और इसके जरिए जो है वो अपने राज्य बिहार और रोहतास का नाम जो है वो रोशन करेंगे। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें।